लोकसभा के अध्यक्ष माननीय ओम बिरला जी, उपसभापति राज्यसभा आदरणीय हरिवंश सिंह जी, अध्यक्ष राजस्थान विधानसभा डॉक्टर सीपी जोशी जी, यान लिंडेल ग्रेजर जी, चेयरमैन सीपीए राजेंद्र राठौड़ साहब, नेता प्रतिपक्ष श्याम लोढ़ा जी, सचिव सीपीए उत्पल कुमार सिंह जी, महासचिव लोकसभा महावीर प्रसाद जी, सचिव राजस्थान विधानसभा, सभी उपस्थित हमारे विधानसभा के अध्यक्षगण, उपाध्यक्षगण, विधान परिषद के सभापति व उपसभापतिगण, मंत्रीगण, विधायकगण, अधिकारीगण, तमाम साथियों, सबसे पहले मैं अपनी ओर से और प्रदेशवासियों की ओर से जितने हमारे मेहमान आए हैं बाहर से, उनका मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। मुझे खुशी है कि विभिन्न विधानसभाओं के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति, उपसभापति, करीब सभी लोग आए हैं। इस बात का प्रतीक है कि पिछले 5 साल में जिस रूप में आप लोगों की जगह जगह पर कॉन्फ्रेंस हुई है, मिलना हुआ है, डॉक्टर सीपी जोशी जी ने जो आप रिश्ते कायम किए हैं, उसके कारण संभव हुआ कि आप सब लोगों ने आना स्वीकार किया। एक साथ करीब सब राज्यों से आना, मैं समझता हूँ, एक संदेश देता है, और उसी रूप में मैं इसको मानता हूँ कि ये सीपी जोशी जी की कामयाबी है कि सीपीए को भी जिस प्रकार से उन्होंने पिछले 5 साल के अंदर जो एक्टिव किया है, पहली बार मैं तीसरी बार मुख्यमंत्री को भी कहा गया, पहले कभी मैंने देखा नहीं कि सीपीए जिस रूप में इस बार काम किया है, राष्ट्रपति से लगा करके उपराष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम जी और गडकरी जी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, सबको करीब करीब अवसर मिला आए हैं वो सीपीए की मीटिंग में और हमें संदेश दें। तो 5 साल तक वाइब्रेंट तरीके से विधानसभा के अंदर एक्टिविटी रही और सीपीए की अलग पहचान बन पाई, जिसकी आवश्यकता भी है। अगर बैठते हैं, विचार विमर्श करते हैं, नए आइडियाज पैदा होते हैं, और वो मैं समझता हूँ अरविंद सिंह जी ने बहुत ही सुंदर शब्दों में भी हम सबको बताया। मेरा मानना है कि जिस प्रकार से ये जो सीपीए हैं, और आप सब पता रहे हो, मैं बधाई देता हूँ कि जो विषय रखे गए हैं, मैं समझता हूँ वो भी अपने आप एक संदेश देने वाले हैं। और जब आप 2 दिन बैठेंगे, हाउ टू मेक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव मोर इफेक्टिव एफिशिएंट इन एनकरेजिंग गुड गवर्नेंस थ्रू डिजिटल एम्पावरमेंट, और कल आपका विषय रोल ऑफ द पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव इन स्ट्रेंथनिंग द नेशन थ्रू डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस। 2 दिन में आप बैठ गए कि मैं समझता हूँ जो चर्चाएं करेंगे उसके अपने आने वाले वक्त में एक माहौल बनेगा देश के लिए, किस प्रकार से पूरे देश के विधायकों को, जनप्रतिनिधियों को किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए और क्या सोच है आप सबकी। मेरा मानना है कि जो स्पीकर बनता है, विधानसभा का अध्यक्ष बनता है, सभापति बनता है, वो भी मैं समझता हूँ कि जो पार्टी सत्ता में होती है वो सोच समझ के बनाती है। उनकी पर्सनलिटी क्या है, उनकी सोच क्या है, उनमें कितनी योग्यता है, कितनी निष्पक्षता से काम करेंगे। वो मंत्री या मुख्यमंत्री बनने लायक भी होते हैं, उनमें से कई बार मौका मिलता है कि आप स्पीकर बन जाए। तो स्पीकर की पोस्ट जो है, मैं उसको बहुत महत्व देता हूँ। और डॉक्टर सीपी जोशी जो जिस प्रकार से पक्ष विपक्ष के साथ जगह काम किया है, उसका भी इतिहास बन गया है। मैं तो राजेंद्र राठौड़ साहब मेरी बारिश सहमत होंगे, क्योंकि ऐसे ही माहौल बनाया रखा हम लोगों ने। और डॉक्टर सीपी जोशी ने न पक्ष को बख्शा, न विपक्ष को बख्शा, इस रूप में इन्होंने हाउस का संचालन किया, इसलिए कोई इनके ऊपर शक नहीं कर सका।
दिल से कमेंट करना, दिल से बात करना और रिश्ता निभाया वही, हाउस के अंदर भी हाउस के बाहर भी। इसलिए मैं शिवजी जोशी जी को बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि आपने 5 साल अब तो होने आए हैं, चुनाव जल्दी हैं और हम लोग उदयपुर में बैठे हुए हैं। उदयपुर की खुद की नगरी है जहाँ उन्होंने शिक्षा भी ग्रहण की है। छात्र जीवन से अभी उन्होंने खुद ने कहा, बढ़ते 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 में संघर्ष करते करते ये मेरे साथ मंत्रिमंडल में मेंबर भी रहे, सदस्य रहे और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भी रहे। केंद्र सरकार में मंत्री भी रहे, चाहे पंचायत राज हो, चाहे ग्रामीण विकास हो, चाहे ट्रांसपोर्ट हो, रोड ट्रांसपोर्ट हो, चाहे रेल मंत्रालय हो। इनके अपने अनुभव है पार्टी में भी और सरकार के अंदर भी, और इनके अनुभव का लाभ हमें मिला, इतने कोई दो राय नहीं। जहाँ तक डिजिटल युग की बात है, ये अपने आप में बहुत बड़ा एक क्रांतिकारी काम है। अब तो हम सब वाकिफ होते जा रहे हैं। पहले लगभग 35-37 साल पहले जब मैं मंत्री था राजीव गांधी जी के साथ में, जब वो 40 साल की उम्र में प्रधानमंत्री बन गए थे, उस वक्त उन्होंने जो मिशन बनाए थे, मिशन मोड पे काम किया था, उसमें टेक्नोलॉजी मिशन भी शामिल था। जो सैम पिटेरा जी आज जिनका नाम पूरी दुनिया के अंदर है, वो मिशन के हेड बनाए गए थे। उस वक्त लोग समझ नहीं पाया कि कंप्यूटर भला क्या है, IT का मतलब क्या है, और उस वक्त में कई आलोचना भी हुई थी कि कंप्यूटर आ जाएंगे तो टाइपिस्ट जो है वो बेरोजगार हो जाएंगे। उस माहौल से शुरुआत हुई इस IT की, जिसकी चर्चा आज हम लोग कर रहे हैं। और जो कदम उठाए गए 30-35 सालों के अंदर, मैं समझता हूँ कि पूरी क्रांति हो गई है। आज बगैर IT के मोबाइल फोन, इंटरनेट सेवाएं, दुनिया एक प्रकार से आपके मुट्ठी के अंदर है। दुनिया के अंदर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्रांति है ये। उस पर भी सोचा गया था, आज तो बगैर कंप्यूटर काम ही चलता, सारी सुविधाएं रेलवे की, एयर सर्विसेज की हो, रेवेन्यू की हो। और मुझे घर में कि मैं पहली बार जब मुख्यमंत्री बना, तब हम लोगों ने भी शुरुआत करी, लोक मित्र नाम से एक शुरू की थी, एक काउंटर शुरू किया था। आज 80,000 हमारे यहाँ पर ई मित्र है, 80,000, और 600-700 तरह की सेवाएं पब्लिक जो है, 80,000 ई मित्र के माध्यम से लोगों की अवेलेबल हो रही है हर विभाग की। हमने 3% रखा था एक बार, जब मैं दूसरी बार था मुख्यमंत्री, हर विभाग का बजट रखा था, बड़ा जंप हुआ। इस काम को मैं समझता हूँ कि सरकार बदल गई, तब भी मुझे मालूम है भामाशाह केंद्र बना था यहाँ पर, पिछली गवर्नमेंट बना था, डाटा सेंटर बना हुआ, आज देश के अंदर नंबर 1 हमारे यहाँ पर। IT में हम लोग बहुत आगे बढ़ गए, IT के माध्यम से आज देश के अंदर आज भी राजस्थान नंबर 1 है IT सेक्टर के अंदर। इस रूप में IT का उपयोग हो रहा है और गवर्नेंस भी उसके आधार पर चल रही है। अब DPD का कंसेप्ट है, प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने कहा था कि 1 रुपया भेजते दिल्ली से 15 पैसे पहुंचते गांव के अंदर। उन्होंने अपनी भावना बताई और इतना हर स्टेप पे आप जानते हो क्या क्या स्थिति बनती है, और 15 पैसे पहुंचते थे कहा, और हमारे जो विपक्ष में होते हैं वो आलोचना करते हैं 15 पैसे क्यों पहुंचते हैं। और आज जब DBT हो रही है, IT के माध्यम से हो रही है, तो आज देश के अंदर चर्चा चलती है, आपकी देखिए उसको 15 पैसे पहुंचते थे, आज हम 1 रुपया पहुंचाते हैं। तो मैं कहना चाहूँगा लोगों को जो कहते हैं 1 रुपया पहुंचाते हैं, वो राजीव गांधी देन थी। उन्होंने जो उस वक्त में IT सेक्टर में मिशन मोड में काम किया, तब जाकर के आज स्थिति बनी है देश के अंदर। हम आज इंटरनेट की सेवाएं का उपयोग कर रहे हैं, आज हम गुड गवर्नेंस दे रहे हैं, हर क्षेत्र में गुड गवर्नेंस के नाम आते हैं, IT का नाम आता है। कोई बात, कोई विषय ले लीजिए, कोई विभाग ले लीजिए, उस रूप में काम हो रहा है। मेरा मानना है कि यही
तरीका है गुड गवर्नेंस का, जितना ज्यादा हम आईटी की तरफ बढ़ेंगे, जितना ज्यादा हम लोग इसका उपयोग करेंगे, जितना ज्यादा हम पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव को इसी तरफ मोड़ेंगे, आज भी कई लोग उपयोग नहीं करते पूरी तरह से, सोशल मीडिया के माध्यम से सोशल मीडिया का उपयोग भी दुरुपयोग भी हो रहा है, उपयोग बहुत बड़ा हो रहा है। हमारे कई जनप्रतिनिधि पूरी रुचि लेते हैं, सोशल मीडिया हैंडल्स को प्रयोग करते हैं, बात पहुंचाते हैं, अपनी पब्लिक तक पहुंचाते हैं, पब्लिक से जुड़े रहते हैं, पब्लिक की समस्या जो होती है उसको जो है हल करने में जिस प्रकार से कम्युनिकेशन होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है। पुलिस विभाग उसमें उपयोग कर सकता है, घटना दुर्घटना हो गई इमीडिएटली कोई ट्वीट कर दिया किसी ने, उसके लिए तत्काल कार्रवाई शुरू हो गई। कई बार तो जो है अपराधी पकड़े जाते हैं इसके कारण से, हर क्षेत्र में इसका उपयोग हो रहा। मुझे भी याद आ रहा है एक दिन मैं रात को 3-4 बजे टेलीफोन आ गया, बाद में मैंने देखा कि टेलीफोन किसका आ गया, मैं उसको ऑफ रखता हूँ, बगैर आता नहीं मेरी टेलीफोन पे, पर मेरी नींद खुल गई, मैं देखा तो मैंने बात करी उनसे, कहता मुझे मालूम बहुत और समय है, पर क्योंकि मैं बहुत प्रॉब्लम हूँ कि मेरे पास में जो है क्लब चल रहा है, रात भर ड्रिंक होते हैं, डीजे बनता बजता है, मैं दुखी हो जाता हूँ, साल भर तक पूरे मोहल्ले वाले दुखी हैं और कोई काम नहीं हो रहा, सुन रहे नहीं हो रही, इसलिए मैंने कहा कि मैं आपको इतना कर दूँ। मैंने उसी वक्त मेरे जो CMO में SP लगा रखा मैंने उनको इतला करी, बड़ी खुशी हुई कि उन्होंने कंट्रोल ऑफिसर को इतला करी, पुलिस पहुंच गई, सब जब्त कर लिए इक्विपमेंट वगैरह, और एक अभियान शुरू हो गया रात भर के अंदर कि 10 बजे के बाद में 12 बजे के बाद में कोई रात को क्लब नहीं चलेंगे, पब नहीं चलेंगे। तो ये अगर IT नहीं होती, अगर मोबाइल फोन नहीं होता, कब तो वो लैंडलाइन में बात करता PA से, PA का मिलता नहीं मिलता, ये तो पूरा क्रांतिकारी काम हुआ है। जिस प्रकार से देश में मैं देख रहा हूँ कि हम आगे बढ़ रहे हैं, हमने कई यहाँ पर नवाचार किया रहता है, राइट टू हेल्थ का जो आपने सुना होगा, चिरंजीवी योजना हमारी 25 लाख का बीमा है, पूरा सिस्टम हमने खड़ा किया, मान लीजिए फ्री मेडिसिन, फ्री टेस्ट, अब तो पूरे राइट टू हेल्थ एक्ट बन गया हमारे यहाँ पर। और उस वक्त भी जब मैंने किया तो कंप्यूटर के कारण ही संभव हुआ, हमने जब इसको अनाउंस किया फ्री मेडिसिन मिलेगी, फ्री टेस्ट होगा, तो क्योंकि लोग समझ नहीं पाते, हमने 2 साल पहले अनाउंस किया, पर IT बेस अगर उसमें लिंक नहीं हो तो संभव नहीं होता ये काम करना। हजारों सब सेंटर PHC CHU होती है प्रदेश के अंदर, पूरे बड़े बड़े गोदाम बनाने पड़ते हैं दवाओं की सप्लाई को मेंटेन करने के लिए, वक्त लगता है गोदाम बनाने के अंदर, टेंडर करने पड़ते हैं दवाओं के सबके, और साथ में आपको कंप्यूटराइज करना पड़ता प्रोग्राम, किस गांव में PHC में कौन सी दवाएं खत्म हो गई, उसके निर्देश का दवाएं पड़ी हुई है, वो जयपुर आके जयपुर सप्लाई नहीं हो सकती उसकी, तो ये कंप्यूटर का नहीं होता, जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते थे भाई 50 किलोमीटर में दवाएं पड़ी हुई एक्स्ट्रा है उनके पास CHC के अंदर, ट्रांसपोर्ट हो गई तो सप्लाई मेंटेन रह गई। हालांकि जब वो टाइम लगा मैं गोदाम बड़े बड़े बनाने में कंप्यूटर करने के अंदर, तो हमारे नेता पति में आज हैं, ये बाद में हेल्थ मंत्री बने थे, एक बार बने थे ना हेल्थ मंत्री बने थे ना एक बार, आप सुनी नहीं, आप कहा देख रहे हो, मैं तो आपकी बातें कह रहा हूँ। तो इनकी गवर्नमेंट, इनकी मतलब सरकार, ये विपक्ष में थी उस वक्त में, हमारे यादव से खूब बड़ी चुनाव में कि देखिए चुनाव आ गए थे, तुम्हें फ्री है, टेस्ट फ्री हो रहे हैं, सिर्फ चुनाव जीतने के लिए हो रहे हैं। जब मैं 2 साल पहले अनाउंसमेंट कर दिया था, पर मैंने आपको बताया किस्सा, टाइम लगता है इम्प्लीमेंट करने में, कंप्यूटर करने में प्रोग्राम, पर मैं कहना ही चाह रहा हूँ कि बगैर कंप्यूटर के, बगैर IT बेस के आप उसको
स्कीम को कामयाब नहीं कर सकते थे। इस प्रकार से ये जो आपके विषय हैं जुड़े हुए पब्लिक से भी और विधायक गणों से भी सबसे, तो मेरा मानना है कि इस प्रकार से हम लोगों ने कोई कमी नहीं रखी। जिस प्रकार से हमने यहाँ पर मिनिमम इनकम गारंटी एक्ट बना दिया, राजस्थान के अंदर गिग वर्कर्स का एक्ट बना दिया है। इस प्रकार हमने 1,35,00,000 महिलाओं को, 1,35,00,000 महिलाओं को हम लोग जो मुखिया है घर की अपने हमारी चिरंजीवी योजना में, उन सबको मोबाइल फोन बांटना हमने शुरू कर दिया है वुमेन एम्पावरमेंट के लिए। डिजिटल डिवाइड जो है वो समाप्त होगा महिलाओं में, पुरुषों में भी, और वुमेन एम्पावरमेंट भी होगा। इस प्रकार हम कोई कमी नहीं रख रहे हैं। हम राजीव गांधी फिनटेक यूनिवर्सिटी ला रहे हैं, बना रहे हैं, उनके नाम के सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी ला रहे हैं। ये एप्पल भी, माइक्रोसॉफ्ट भी, ओरेकल जैसी कंपनियां जो हैं एमओयू कर रही है हमारे साथ में। इनोवेशन हब बना रहे हैं हम लोग, प्लग एंड प्ले बच्चों को सिखाने के लिए स्टार्टअप के माध्यम से। हमारे यहाँ 181 नंबर है। राजस्थान में कोई भी तरह शिकायत हो पूरे प्रदेश वासियों को छूट है, वो जाके 181 फोन करेंगे और पूरा फॉलोअप होगा। इस प्रकार से कहने का मतलब है कि आज ये मौका है जब आप यहाँ बैठे हुए हैं, मैं देख रहा हूँ कि जिस रूप में आप पढ़ा रहे हो और जिस रूप में आप 2 दिन तक बैठेंगे और जिस रूप में यहाँ विचार विमर्श करेंगे, तो मैं अपने अनुभव शेयर कर रहा था आपसे कि किस प्रकार कोविड के अंदर मैंने 500 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करी, 500 350 खाली उसके अंदर कोविड को लेकर थी। हमारे जितने ही पक्ष विपक्ष के लोग हैं सबको मैंने जोड़ा, 22 घंटे मैंने उनसे बातचीत करी 2 दिन के अंदर, 22 घंटे, और उनसे फीडबैक लिया आपके क्षेत्र में क्या स्थिति बनी हुई है। कलेक्टर जगह के सरपंच तक हमने बातचीत करी, जो SOB आती थी केंद्र सरकार से, मोदी जी खुद जुड़ते थे प्रधानमंत्री जी, वहाँ SOB आती थी, हमारे खुद के सुझाव होते थे, हम उनको देते थे। इतना शानदार मैनेजमेंट हुआ, इतना संभव हुआ कि IT और इंटरनेट की सेवाएं उपलब्ध होगी देश के अंदर। इस रूप में मेरा मानना है कि जो फैसले हम लोगों ने किए हैं वो आपके सामने है कि किस प्रकार से एक माहौल बन गया राजस्थान के अंदर, और उस माहौल का लाभ हमने उठाया। इसलिए मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जो मुझे खुशी है उदयपुर में आप लोग सब बता रहे हो, उदयपुर में आप आए हैं, तो मैं आपका तहे दिल से वापस स्वागत भी करता हूं। और मेरा मानना है कि आज जो कुछ संभव हो रहा है वो इसलिए संभव हो रहा है कि IT के बहुत बड़ा योगदान है, और विषय आपने चुना है वो शानदार चुना है, और मुझे यकीन है कि आप लोग सब यहाँ पर बैठेंगे, विचार विमर्श करेंगे। मैं पुनः आप सबका प्रदेशवासियों की ओर से, मेरी ओर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। और CPA को जो एक्टिव किया सुबी जोशी जी ने, मैं समझता हूँ कि मैं इसको एक नया अध्याय मानता हूँ कि राजस्थान में विधायकगणों को मालूम पड़ा कि CPA नाम की कोई संस्था भी है। CPA के प्लेटफॉर्म पे हम लोग सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। मैं समझता हूँ कि अच्छा इनका प्रयास था, उसके लिए मैं साधुवाद देता हूँ। आज हम सबको बुलाया उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद।